हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो सभी किसी न किसी ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अगर हम आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ऑप्शन होते हैं, जब आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो वहाँ दोनों ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में सेलेक्ट करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ये कह रहा है कि पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है, यानी कि पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जिसमें जो मेल बर्ड होता है, मेल पक्षी होता है, वो कई सारे घोंसले बनाते हैं सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद फीमेल जो बर्ड होती है उन सभी घोंसलों को अच्छे से देखती है, उसे जो भी घोंसला पसंद आता है उसे वो सिलेक्ट करती है, उसमें वो अंडे देती है। और उसी स्पीसीज का आपसे नाम पूछ रहा है, उसी प्रजाति का आपसे नाम पूछ रहा है। यानी कि एक तरफ का स्वयंवर टाइप का है कि जिसमें उसको अच्छा लगेगा उसे वो सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन दिए हैं, कोयल, वीवर पक्षी, शक्कर खोरा और बसंत गौरी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। इस स्पीसीज यानी प्रजाति का नाम है वीवर पक्षी, वीवर पक्षी ऐसा करता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कोयल के बारे में हम क्या जानते हैं, कोयल के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो कोयल पक्षी होता है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कौवा जो होता है वो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, जिसमें वो लकड़ियों का इस्तेमाल करता है, तार का इस्तेमाल करता है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, और कोयल जाके उसके घोंसले में अंडे दे देती है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तरफ आपकी डिशेज दी हुई हैं, फेमस डिशेज, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड स्थान दिए हुए हैं यानी प्लेसेस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी डिश किस प्लेस से रिलेटेड है, कहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले आ जाते हैं छोले भटूरे। तो छोले भटूरे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो पंजाब से, यानी ये डिश जो है वो आपकी पंजाब से रिलेटेड है। नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये जो डिश है ये केरल की फेमस डिश है, यानी तो इसका जो मैच हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है सरसों के तेल में बनी मछली, ये जो डिश है ये आपकी कश्मीर की डिश है, कश्मीर की फेमस डिश है, तो इसका थर्ड का डी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि नारियल के तेल में बनी पकी मछली, यानी कि नारियल के तेल में जो मछली पकाई जाती है, जो डिश बनती है वो कहाँ फेमस है, और ये जो फेमस डिश है ये आपकी गोवा की है। यानी पहला का जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट का ई, सेकेंड का आपका बी हो जाएगा, थर्ड का जो आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, और फोर्थ का ए हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट का कौन सा सही, फर्स्ट का कौन सा मैच कर रहा था, ई कर रहा था, सेकंड का बी। तो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इन्हें याद भी करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तरफ चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि दो मैचिंग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो मैचिंग चीज़ें दी हुई हैं, और उसमें से आपको क्या करना है, एक ऐसा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिसका मैचिंग का जो रिलेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, जो तीसरे से अलग है, डिफरेंट है। तो पहला दिया हुआ है सेब मुरब्बा, दूसरा है दूध पनीर, कच्चा आम अनार, दाल पापड़। तो यहाँ अगर आप देखिए तो दूध और पनीर क्या है ये और सबसे अलग है, क्योंकि ये सभी चीज़ें कच्ची चीज़ों से बनाई जा सकती है, लेकिन जब दूध को उबाला जाता है, उबाल के बाद जब उसे फाड़ा जाता है, यानी पूरी प्रोसेस ही चेंज हो जाती है, ये एक केमिकल प्रोसेस हो जाता है, और सब में केमिकल प्रोसेस नहीं किए जा रहे हैं, और सब में केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ों से अलग है, अन्य सभी जो आपके दिए हुए ऑप्शन इनसे डिफरेंट है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है,
निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ऑप्शन है आपके पास आइसक असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मिस्ट्रल या ग्रेगोर मेंडल। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। जॉर्ज मिस्ट्रल जो थे उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो का उपयोग किया था, जिसका मतलब बनाया था, जिसका उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको मैच करना है। मैच के कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। एक तरफ जीव जंतु दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड क्वालिटीज दी हुई हैं, जो स्पेशल क्वालिटीज है, आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच होगा। तो पहला आता है उल्लू। तो उल्लू के बारे में ये कहा जाता है कि जो इनकी आंखें होती हैं वो सामने की ओर होती हैं, जैसे कि हम लोगों की इंसान की आंखें कैसी होती हैं, सामने की ओर होती हैं, वैसे ही उल्लू की आंखें भी इंसान की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो यहाँ आपका ए का थर्ड मैच हो जाएगा। फिर रेशम कीट, रेशम कीट के बारे में ये क्वालिटी है कि जो वो अपने फीमेल मेंबर को बहुत मतलब कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। यानी अगर उसकी फीमेल मेंबर कई किलोमीटर दूर भी है तब भी रेशम कीट उसकी महक से, उसकी गंध से पहचान लेता है। तो बी का जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाज, बाज के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा अधिक देख सकता है, यानी अगर देखने की क्षमता की बात की जाए सबसे अधिक बाज चील इनकी सबसे ज्यादा तेज होती है। तो इनमें सी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कि जो बाज होता है इसकी देखने की क्षमता हमसे चार गुनी अधिक होती है, यानी फोर टाइम्स ज़्यादा वो हमसे देख सकता है। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर स्लॉथ, स्लॉथ क्या है, एक जीव है जो हमेशा पेड़ों से चिपका रहता है, यानी 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टा लटका रहता है और लटक कर सो भी जाता है। अगर हम फोटोज़ की बात करें, ये फोटोज़ आप देख पा रहे होंगे, ये स्लॉथ है, ये पेड़ से चिपका रहता है, जल्दी नहीं उतरता, हफ्ते में एक बार ये शायद पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है उसके बाद फिर से ये चढ़ जाता है। तो ये स्लॉथ है, तो इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो पहले का आपका कौन सा सही था, पहले का थर्ड था। फिर बी का कौन सा सही था, बी का आपका फोर्थ, तो बी इसमें मिल रहा है। सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का आपका सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, यानी एक मैप बना हुआ है। मैप में क्या है कि जो ऐसे एक्चुअल में जो 110 मीटर की दूरी है उसको मैप में 1 सेंटीमीटर की दूरी के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि हम मैप में तो 110 मीटर नहीं दिखा सकते हैं। तो 110 मीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में माना गया है, मैप में दिखाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो गाइस ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे मैथ से रिलेट कर सकते हैं। कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, 15.4 से 110 को मल्टीप्लाई करना है, जिससे एक्चुअल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। ये जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी, और यहाँ जो आंसर दिए हुए हैं ये सब किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो मीटर से आपको किलोमीटर में चेंज करना होगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ मैं आपको मतलब सॉल्व करके दिखा नहीं सकती हूँ, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को करने का। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के पक्षी की जो चोंच होती है वो मांस को काटने और खाने में काम आती है। तो आपने देखा होगा सबसे अधिक मांसाहारी पक्षी कौन होता है, चील, बाज, ये होते हैं। और इनकी चोंच कैसी होती है, इनकी चोंच हुक की तरीके होती है, यानी नीचे हल्की सी झुकी हुई होती है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच। सीधी और पतली चोंच जो होती है वो कीड़े खाने में मदद करती है। हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुक जैसी चोंच। क्योंकि चील बाज की चोंच आपने देखी होगी, उनकी हुक की तरीके चोंच होती है, जो सबसे अधिक मांसाहारी होते हैं, ये इनकी मदद करती है मीट को फाड़ने और खाने में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन ही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें किससे रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि एक कार एक शहर से 7:30 बजे चलकर
शहर वाई में 10:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगी, यानी यहाँ आपसे चाल पूछ रहा है। तो चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा 540 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आधा घंटा आप इधर से निकाल लीजिए, आधा घंटा आप इधर से निकाल लीजिए, 1 घंटे हो जाते हैं। फिर 8 बजे से 12 यानी 8 4 4 घंटे इधर हो गए। फिर उसके बाद 12 से 10 10 घंटे उधर, 14 घंटे, 14 1 15 यानी टाइम आपका हो गया 15 घंटे। डिस्टेंस आपकी हो गई 540 किलोमीटर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चाल निकालनी है, तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला को लगाकर। और जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर घंटे में आएगा, जिसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन ये है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। देखिए, गुड़ में क्या होता है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, आंवले में भी आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और हरी पत्तियों में भी आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर डॉक्टर इन सब चीजों को खाने की सलाह दे रहा है पेशेंट को, तो इसका मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि जो जो भी पेशेंट है उसे आयरन की कमी है, और आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो पेशेंट है उसे एनीमिया रोग है, इस वजह से डॉक्टर इन सभी चीज़ों को मतलब सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। घाना नेशनल पार्क की पूछ मतलब पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घाना नेशनल पार्क जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं, यानी कि वो ये एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि राधा को किस प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कि इनमें से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाए। अब यहाँ देखिए, आपको मेंशन कर दिया गया कि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता हो, क्योंकि आंखों की कमी मतलब आंखों की जो रोशनी कम होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है और यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है और वर्षा के कारण यहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो घर है वो धरती से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाते हैं, यानी उससे ऊपर बनाते हैं। और उसके बाद उसे किस बेसिस पे खड़ा करते हैं, वो बांस की बल्लियों के बेसिस पे खड़ा करते हैं, यानी बांस के जो बंबू के पोल होते हैं उनके बिहाफ पे उसको खड़ा करते हैं घर को, लकड़ी का भी बनाते हैं। तो वो आपसे राज्य पूछ रहा है कि ऐसे घर किस राज्य में बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दी गई हैं ये आप सभी असम के राज्य मतलब असम के जो गांव हैं वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं। असम के जो लोग होते हैं वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं पृथ्वी से, ताकि जो पानी भर सके वो घर के अंदर ना भर जाए, घर के अंदर भर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जड़ नहीं है। ऑप्शन आपके पास मूली, शकरकंदी, टेपियोका या आलू। तो आलू क्या है, ये जड़ नहीं है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी की अगर हम चीजों की बात करें, गाजर हो गया, मूली हो गया आपका, शकरकंदी हो गया, टेपियोका हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जड़ में आती हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं ऑप्शन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी बोरा एक प्रकार की क्या है, मतलब कि जैसे कि आपने कई सारे बासमती राइस होता है,
कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले राइस होते हैं, तो इनका एक नेम कैटेगराइज कर दिया जाता है कि हाँ ये बासमती राइस है, ये आपके नॉर्मल राइस हैं। तो उसी तरह बोरा एक प्रजाति होती है चावल की। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो किस राज्य में पाई जाती है, कहाँ मुख्य रूप से यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। ऑप्शन आपके पास असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा असम में। बोरा जो होता है, जो चावल की एक सामान्य किस्म होती है, यानी कि ये एक क्वालिटी होती है, मतलब क्वालिटी नहीं कह सकते, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म होती है, वैसे ही जैसे कि वूलन क्लोथ्स होते हैं, कुछ समर के क्लोथ्स होते हैं, कुछ विंटर के क्लोथ्स होते हैं, वैसे ही बोरा भी एक किस्म होती, प्रजाति होती है चावल की, जो असम में यूज की जाती है। और इसका क्या है कि बोरा चावल बनाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ चिपचिपे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये सामान्यतः असम से ही रिलेटेड है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि तीन राज्यों का वह समूह कौन सा है जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए राज्य, तीन राज्य के जो समूह है वो कौन सा है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, या आप खुद ही एक मैप ले आइए, उसे डेली देखिए, ऑब्जर्व कीजिए साइड के, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जो साइड साइड के राज्य हैं, स्टेट हैं, उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ देखते हैं कि कौन सा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र आपका अरब सागर से लगा हुआ है। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी से लगा है, लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केरल, केरल आपका ये जो अरब सागर से लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये एकदम सही ऑप्शन है। सबसे नीचे आपने देखा होगा जहाँ से आपका श्रीलंका साइड से दिखता है, तो ये श्रीलंका से ही लगा हुआ, यानी साइड में आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ सबसे पहले तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा आ जाता है। ये क्रम से आते हैं, यानी पहले तमिलनाडु है नीचे से, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, एकदम किनारे पर है, तटवर्ती क्षेत्र हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने ही तो निम्न में से कौन सी पद्धति सही है, यानी एक ईवीएस का टीचर है जो ईवीएस के एक स्टूडेंट का असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना चाहता है, तो उनमें से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा सही होगी, कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, बिल्कुल नहीं, ऐसे हम जो पहले से टेस्ट चले आ रहे हैं उन पे हम बच्चे का असेसमेंट नहीं कर सकते। कोई भी टीचर ईवीएस का है, जो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं उनके बेसिस पे वो स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं करता। फिर उसके बाद कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चे को हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले बच्चे की ही प्राथमिकता आती है कि जो हम बता रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं पढ़ाने की, वो बच्चे के अनुकूल है या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामान्य टेस्ट, ये भी गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, या देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मेंशन किया गया है, फिर उसके बाद शिक्षण प्रणाली मेंशन की गई है, फिर स्थानीय प्रसंगों की बात की गई है, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईवीएस की प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है ईवीएस का। तो हमें पता है ईवीएस का जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कक्षा थर्ड में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, यानी कि थर्ड क्लास में एक चैप्टर है हमारा भोजन या माई फूड कह सकते हैं, और उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त टीचर ये कहता है सभी बच्चों से कि आप सभी ये बताइए कि कल आपने क्या क्या खाया था, तो उसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले कह रहे हैं कि अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, बिल्कुल नहीं, हम किसी को क्यों बताएं, और ऐसा टीचर का ऑब्जेक्टिव क्यों होगा बच्चों से पूछने का कि वो आपस में बताएं कि हमने क्या क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, बिल्कुल सही बात है।
इससे क्या, जब बच्चे बताते हैं कि हाँ हमने कल क्या खाया था, सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताते, जरूरी तो नहीं कि सबका सेम ही हो, तो इससे ये पता चलता है कि जो भोजन मतलब जो फूड हम खा रहे हैं उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं, सिर्फ एक ही तरह का फूड नहीं होता, सबके घर में अलग अलग तरीके के फूड बनते हैं, तो इस वजह से वो डाइवर्सिटी जो फूड में जो डाइवर्सिटी है उसे वो साझा करने की बात कर रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, बिल्कुल नहीं, किसी एक टाइप के भोजन में हम नहीं कह सकते कि नहीं ये संतुलित आहार है, ये नहीं होगा। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, ये भी नहीं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गाँव में ये देखना साधारण कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालते हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है, यानी गांव में आप लोगों ने देखा होगा या घर में भी देखा होगा कि जैसे अनाज आता है उसमें बहुत सारी भूसी होती है, यानी कि घास फूस, भूसी मतलब घास फूस, तो महिलाएं जो मम्मी लोग होती हैं वो क्या करती हैं और जो करती हैं उस विधि को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। पहला कह रहा है छानना, छानना बिल्कुल नहीं करती, जरूरी तो नहीं, इस अनाज बड़े बड़े होते हैं और जो उनमें कचड़ा होता है वो भी बड़ा बड़ा हो सकता है, तो छानने से तो नहीं निकल सकती। हाथ से चुनना, अगर घास मतलब बहुत ज़्यादा भूसी भरी हुई है, बहुत सारा घास फूस भरा हुआ है, तो हाथ से भी नहीं चुन सकते। हाथ से चुनना उस प्रक्रिया में आ जाता है कि बड़े बड़े कंकड़ जब हैं तब हम उसे निकाल सकते हैं, जैसे चावल में, चावल क्यों बुना जाता है, क्योंकि अगर उनमें कंकड़ है तो उसे निकाल दिया जाए, तो इस विधि को हाथ से चुनना कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं फटकना, ये बिल्कुल सही है, जब अनाज में भूसी वगैरह होती है तो उसे पटक के निकाल दिया जाता है, यानी झटका दिया जाता है अनाज को या ऊपर से गिराया जाता है जिससे हवा के मतलब बहाव में, वो क्या कहती है, हवा के प्रेशर में वो भूसी उड़ जाती है और अनाज हमें साफ साफ मिल जाता है, फटकना सभी लोग जानते होंगे बेसिकली, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर थ्रेसिंग, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, थ्रेसिंग में क्या होता है कि जो किसान फसल उगाता है, फसल उगने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो अनाज डायरेक्ट खेत से तो नहीं निकल आता, जो फसल होती है उसे क्या करते हैं, उस फसल से जो अनाज निकला निकाला जाता है उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। जो गांव से रिलेटेड होंगे, विलेज से रिलेटेड होंगे, वो इस विधि को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं की खेती होती है, गेहूं की बालियां होती हैं, उसे आप क्या करते हो, थ्रेसर की मदद से अनाज को अलग करते हो, गेहूं को गेहूं की बालियों से अलग करते हो, तो ये विधि आपकी थ्रेसिंग कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से एक्टिविटीज का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ईवीएस की एक टीचर है जो अपने बच्चों में ईवीएस से रिलेटेड यानी कि कौशल प्रक्रिया विकसित करने के लिए एक्टिविटी कराती है, तो इनमें से सबसे ज्यादा उपयोगदायक कौन सी होगी, यानी सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन सी एक्टिविटी होगी। सबसे पहले नृत्य करना, नृत्य करने का और ईवीएस का कोई रिलेशन ही नहीं है। बागवानी करना, हाँ ये ईवीएस से रिलेटेड है, हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं और बागवानी हमारी इन्वायरमेंटल से ही रिलेटेड है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है, यानी ईवीएस की जो टीचिंग कराई जाती है उसके रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट सबसे अधिक सही है। अनुभव द्वारा सीखना, यानी एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, बिल्कुल सही है, ईवीएस का उद्देश्य है कि हम अनुभव द्वारा सीख सकें, ये सभी सब्जेक्ट का उद्देश्य ये रहता है बेसिकली। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, यानी कॉन्क्रीट और टू अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें सामने से स्पष्ट रूप से दिख पा रही हैं, अमूर्त का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, यानी जो सामने से हमें नहीं दिखती हैं उनके बारे में हम पढ़ना, तो सबसे पहले तो बच्चा क्या करेगा, जो सामने चीज़ें दिखती हैं उसे वो एनालाइज करेगा, उसके बारे में वो मतलब नॉलेज गेन करेगा, फिर उसके बाद वो अमूर्त की तरफ जाएगा, तो ये भी सही है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, बिल्कुल सही, सबसे पहले उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिनके बारे में हमें जानकारी होती है या जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद हम अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ईवीएस की प्रासंगिक स्वरूप, यानी चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से एक अच्छा संसाधन कौन सा हो सकता है। ईवीएस सबसे मतलब ईवीएस सीखने का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है फील्ड ट्रिप, यानी क्षेत्र भ्रमण,
अगर आप फील्ड ट्रिप कराते हैं तो बच्चा सबसे अधिक सीखेगा, क्योंकि उसमें सबसे इन्वॉल्व भी होगा, चीजें आसपास देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो सबसे अधिक सीख पाएगा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एक थीम है। देखिए ईवीएस की 6 थीमें हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ कौन सा दिया हुआ है? एक ही दिया हुआ है, बाकी थीम्स नहीं है, तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, या बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी एंड सी। ए बी और सी सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ निश्चित एक फिक्स की बात कर रहा है। जहाँ भी आपको फिक्स्ड या ओनली की बात करें तो ये वर्ड्स क्या हैं आपके? निगेटिव हैं, तो आपको देख के समझ जाना है कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप एक टीचर हैं, आप ईवीएस में क्या बता रहे हैं? गेम्स बता रहे हैं, गेम्स प्रतियोगिताओं के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, और एक बच्चे ने आपसे पूछा कि आप हमें गेम्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ईवीएस में इसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑप्शन आपके पास, खेल सदियों से खेले जाते हैं और अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत में या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, खेल सदियों से खेले जा रहे हैं। हम बच्चा अपने आसपास बहुत सारे गेम्स देखता है, अगर उसके बारे में उसे नहीं पता होगा तो वो कैसे जान पाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों खेले जा रहे हैं, ऐसे मजे के लिए तो नहीं खेले जा रहे होंगे। तो इसलिए ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही कौन सा है, यानी कि ईवीएस का जो क्यूरिकुलम है उसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान के एकीकृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है? नहीं, ईवीएस में क्या है, पर्यावरण शिक्षा भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, विज्ञान भी है, यानी साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी है। देखते हैं कौन से इसमें मतलब किस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ हम फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें तो यहाँ साइंस की भी बात की गई है, सोशल साइंस की बात की गई है, और ईवीएस की भी बात की गई है, यानी इंटीग्रेशन है ईवीएस। तो इस वजह से यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्राइमरी स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस कक्षाओं को चुनौतियों विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है, यानी इंग्लिश में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन ईवीएस क्लास एट प्राइमरी लेवल कैन बी वेरी वेल एड्रेस्ड बाई, यानी जो चैलेंजेस और इशू हैं ईवीएस क्लास में प्राइमरी लेवल में आप कैसे उसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे किस इफेक्टिव मेथड का यूज करेंगे। पहला है लेक्चर एंड डिस्कशन, फ्री डिबेट, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, या डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। आपको फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डिबेट करा रहे हैं और साथ ही साथ डिस्कशन भी करा रहे हैं, यानी एक बच्चे ने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, बीच में आपने डिस्कस कर दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, तो क्या होगा, वो रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर पाएंगे, उनकी जो सोच है वो भी इंटीग्रेटेड मतलब कि और भी ज्यादा डेवलप हो पाएगी, वो और अच्छा सीख पाएंगे। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की टेक्निक कौन सी है। हिंदी में समझ लेते हैं, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो किया जाता है उसकी कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा सही, कौन सी टेक्निक उसके अंदर आती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ये होता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट किया जाता है तो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, लेकिन जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद असेसमेंट किया जाता है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ फॉर्मेटिव की बात की जा रही है। तो सबसे पहले सहपाठी आकलन यानी कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कोऑपरेटिव असेसमेंट, तो यहाँ ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है, टीचर भी इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होता है, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेटिंग स्केल फाइल या इसका प्रदत्त कार्य मतलब हो जाता है असाइनमेंट, असाइनमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक टाइम पे या तो टीचर होगा या तो स्टूडेंट होगा, दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक ही है कि उसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है एक टाइम में और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है, इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना, यानी कि कलर्स के बेसिस पे एनिमल को क्या करना है, कैटेगराइज करना है। तो अबव द लाइन इंडिकेट्स, यानी ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग कॉम्पिटेंसी या लर्निंग प्रोसेस, तो ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रही है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इन क्लास 4 चैप्टर 5 एंटिया एंड द हनी बीज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा हैज बीन नरेटेड हाईलाइटिंग हर एज अ गर्ल स्टार, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन इनिशिएटिव। हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। क्लास 4 में एक पांचवा अध्याय यानी फिफ्थ जो चैप्टर, उसमें एक चैप्टर है अनीता एवं मधुमक्खियाँ, जिसमें अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी दी हुई है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। पहला है दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश रहती हैं और उनको उत्साहित करने पर अत्यधिक बल देना। दूसरा ये दर्शाना कि नारी शक्ति या बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करनी है। बिल्कुल सही बात है, ईवीएस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है कि जो इक्वालिटी है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी, इन चीज़ों पर वो फोकस कर पा रहा है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब देखते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चन हम